हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दो कलर का एक पैटर्न बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है बच्चों के स्वेटर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे दूसरा कलर लगाएंगे। तीन फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, एक फंदा हम उतारेंगे, अगले तीन फंदे फिर से रेड, एक फंदा उतारेंगे, तीन फंदे रेड, एक फंदा उतारेंगे, लास्ट के तीन फंदे फिर से रेड। बैक साइड से जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनने हैं। तीन फंदे रेड बुनेंगे, एक फंदा को उतारेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदे को उतारेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदे को उतारेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे। अब देखिएगा, अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, तीसरा कलर। अब हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। एक फंदा पहले हम ग्रीन का बुनेंगे, एक फंदा रेड वाला बीच वाला उतारेंगे। अब अगले तीन फंदे हम रेड बनाएंगे, ग्रीन, एक रेड फंदा उतारेंगे, अगले तीन फंदे ग्रीन बुनेंगे, रेड फंदा उतारेंगे। जो तीन फंदों के बीच का फंदा है ये हमको उतारना है, ये वाला। बैक साइड से जैसे हैं वैसे बुनना है। एक पहले ग्रीन, रेड उतारा, तीन फंदे फिर से ग्रीन बनेंगे, रेड को उतार लेंगे, तीन फंदे ग्रीन बनेंगे, रेड फंदा उतारेंगे, तीन फंदे फिर से बुनेंगे, रेड वाले को उतारेंगे, ग्रीन बुनेंगे। अब हम इसमें फिर से रेड कलर लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीन फंदे पहले रेड बुनेंगे, एक फंदा ग्रीन वाला बीच वाला उतारेंगे, तीन में से बीच वाला, तीन फंदे फिर से रेड, एक बीच वाला फंदा उतारेंगे ग्रीन। तीन फंदे थे हमारे ग्रीन, तो इसके बीच का फंदा हमें उतारना है, उसके बाद ही लास्ट होती है। इस तरह से बना। अब बैक साइड से जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनने हैं। तीन फंदे रेड बुनेंगे, ग्रीन फंदे को उतार लेंगे, फिर से तीन फंदे बुनेंगे, ग्रीन फंदे को उतारते जाएंगे। जो फंदा उतारा था उसको उतारना ही है, जो बुने थे उन फंदों को बुनना है। ये देखिए, अब हम इसमें अपना ये बेस कलर लगाएंगे। अब हम पहला एक फंदा बुनेंगे, एक फंदे को उतारेंगे और अगले तीन फंदे अब हम बेस कलर तैयार करेंगे। एक फंदा रेड वाला उतारते जाएंगे, तीन फंदे बुनते जाएंगे, बीच वाले फंदे को उतारते जाएंगे, फिर से तीन फंदे बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे। बैक साइड से जैसे फंदे हैं वैसे ही बनाएंगे। जो उतारा है उसको उतार लेंगे, जो बुना है उसको हम बुन देंगे। ये देखिएगा, अभी हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बना है। अब इधर से अपने बेस कलर से हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी सिलाई। अब इस पैटर्न को दोबारा बनाने के लिए जो हम दोबारा बनाएंगे, तो इसके ऊपर हमको चार सिलाइयाँ उतारनी हैं। तो देखिए ये इस तरह से बना है।
जब हम इसको आगे आगे बनाएंगे तो ये देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा। तो बीच में मैंने इसमें ये चार सिलाई और गैप रखा है, आप ज़्यादा कम भी रख सकते हैं। तो आज का मेरा पैटर्न ये था, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।